नौजवानों का, बेरोजगारों का, झारखंड के आवाज बनने के लिए आए हैं। वापस नहीं लेते हैं तो इनका ऐसा सदन नहीं चलने कल से। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन सदन में काफी हंगामेदार रहा और बीजेपी विधायकों को, तीन विधायकों को सदन से निकाला गया, निलंबित कर दिया गया। क्या मामला था, आखिर क्यों निकाला गया? देखिए, हम नौजवानों का, बेरोजगारों का, झारखंड के आवाज बनने के लिए आए हैं और हमारे माननीय सचेतक, उप मुख्य सचेतक और ऐसे माननीय वरिष्ठ सदस्य इतने बात को रखना चाह रहे थे कि बेरोजगार जो आज यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं, आंदोलित हैं, पारा शिक्षक आंदोलित हैं, उनकी बात को सुना जाए। और इसके साथ साथ इन्होंने नियमन दिया है, आसन ने नियमन दिया है, स्पीकर ने नियमन दिया है कि जो कार्य स्थगन होता है इसके बाद ऐसे पढ़ा जाता है, तो पढ़ने के लिए जब आग्रह किया जा रहा है तो उसमें उतावला में आ करके ऐसे निलंबित कर देना ऐसे किसी माने में ऐसे इनका उचित नहीं था और अपने नियमन को अपने ही ऐसे इसको आप ऐसे रद्द करना है, तो इसका जो है इसको हम लोग ऐसे काफ़ी ऐसे मतलब निंदा करते हैं और आने वाले समय में भी हम लोग इस नियम ये निलंबन के खिलाफ में हम लोग मार्शल आउट के खिलाफ में हम लोग आवाज उठाएंगे और इनकी मनमानी है सो सरकार की नहीं चलने देंगे, क्योंकि हम सरकार नहीं के जो जनता ने हमको भेजी है यहाँ पर आवाज बनने के लिए बेरोजगारों को, नौजवानों का, किसानों का, उसको हम लोग बुलंदी के साथ रखने काम करेंगे और ये निलंबन है सो वापस लेने के लिए सो हम लोग बाध्य करेंगे और नहीं करते हैं तो हम लोग तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग निलंबित होने के लिए, मार्शल आउट होने के लिए हम लोग तैयार हैं, किसी कीमत पर इनके सदन को नहीं चलने देंगे। शशि भूषण जी, आगे क्या रणनीति रहेगा? अभी तो हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेते हैं तो इनका ऐसा सदन नहीं चलने देंगे कल से, किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे, चाहे इसके लिए सबों को ऐसा मार्शल आउट कराएंगे, लेकिन ऐसा हम लोग ऐसा नहीं चलने देंगे। आज हम लोग इसका ऐसा वॉकआउट किए हैं, बहिष्कार किए हैं और बहिष्कार किए हैं, इसके बाद ऐसा कल से नज़ारा कुछ और होगा। जब तक ऐसा ये वापस नहीं लेते तब तक ऐसा इसको हम लोग इनका सो ये तानाशाही है सो हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। तानाशाही और एक ही है, तानाशाह जो है सो रवैया अपनाए हुए हैं, इनकी तानाशाही है सो आने वाले समय में ये इनको कहीं बर्बाद करने के लिए रास्ता साहब बनेगा। आप लोग राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं? हाँ, आज हम लोग राज्यपाल को जाएंगे, जो राज्य की स्थिति है, जो बेरोजगारी स्थिति है, पूरे तमाम मुद्दों पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सो मिलने के लिए हम लोग 4 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने जा रहे हैं और मिल करके सो ये आप विधानसभा के साथ साथ राज्य की स्थिति से भी अवगत कराने का काम करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक शशि भूषण मेहता जी। उन्होंने कहा कि जो सदन में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा निलंबित कर दिया गया है, इसके खिलाफ हम लोग राज्यपाल से मिले जा रहे हैं, जब तक निलंबित वापस नहीं होता है तब तक हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। सहयोगी राकेश के साथ मनीष जैन, न्यूज विंग, रांची।